नमस्कार, नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ हमवीर सिंह। आज हम और मेरा नाम आनंद प्रकाश है। मैं बुलंदशहर से पढ़ा हूँ। मैंने अब मेरी जो एजुकेशन है, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया, बीएससी किया, उसके बाद मैंने एलएलबी सेकंड करके छोड़ दिया और मैं एक सरकारी कर्मचारी रहा हूँ। बैंक में मैं जॉब मैंने किया है, 15 साल तक बैंक में जॉब किया है। मैं ब्रांच मैनेजर रहा हूँ और म्यूज़िक से थोड़ा मेरा लगाव रहा है, क्योंकि म्यूजिक हर जीवन में सबके साथ रहता है। ये छोटा सा मेरा एक परिचय। और अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, अपना लक्ष्मी नगर मेरा अपना ऑफिस है। जैसे कि आपको अवार्ड भी मिल रखे हों, अभी भी 2016 में आपको अवार्ड मिला है, अभी भी मिला है, तो किस उपलब्धि की वजह से आपको अवार्ड मिले थे? देखिए, उपलब्धि तो हर इंसान में कुछ ना कुछ होती है और वो करता है। जीवन में बहुत सारे मौके मिलते हैं। मेरा बचपन से लगाव रहा संगीत का, मुझे गाने का शौक रहा। शौक में मैं प्रोफेशन बन गया। मैंने थोड़ा वोकल सीखा, सीखने के बाद गाना कैसे गाया कैसे गाया जाता है, और मैं स्टेज पे गाने लगा, लोग मुझे पसंद करने लगे। मैं फिल्मी गाने भी गाता हूँ, डांस भी मुझे करने का शौक था, मैं डांस भी करता हूँ। और मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा मिली अमिताभ बच्चन जी को, मैं बहुत ज़्यादा मतलब लाइक करता हूँ। उनका गाना है खाई के पान बनारस वाला, जो मैंने छोटेपन में एक डांस किया था, उससे करते करते मुझे अच्छा लगा। और किशोर कुमार जी के मैं गाने सुनता था। ये दो मेरे फेवरेट ऐसे हैं, नायक में तो मेरे वो हैं और गायक में मेरे किशोर कुमार जी हैं, जिनकी मैं अक्सर गीत गाता भी, उनके गुनगुनाता स्टेज पे। बस ये सिलसिला चलता रहा, चलते चलते आज इस मुकाम पर हम पहुंच गए कि लोग हमें मंच पर बुलाते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर करते हैं, हमें सम्मान देते हैं। आप खुद देख सकते हैं, ट्रॉफीज़ वगैरह मेरे ऑफिस में हैं। और मुझे अभी 2017 में एक दिल्ली रत्न अवार्ड के जो है अवार्ड से नवाजा गया, बेस्ट एंकर का अवार्ड। लक्की कश्यप जी ने प्रोग्राम पढ़ा था जहाँ मुझे उन्होंने इनवाइट किया, एज ए एंकर मैंने काम किया, तो मुझे 2017 में दिल्ली रत्न अवार्ड से नवाज गया। आप एंकर भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, कैसे कर लेते हैं आप सारी चीज़ें? एक्चुअल क्या है, ये दिल में तमन्ना होती है कुछ करके गुजरने की। मैं जब लिखने बैठता हूँ, माँ सरस्वती का ध्यान करता हूँ, जुबान पे मेरे ऐसी बात आती है, मैं लिखा। और मैंने 2-3 भजन भी लिखे हैं जो गाए हैं, कुछ मैंने फिल्मी गाने भी लिखे हैं जो अभी मैं जल्दी ही लॉन्च करूँगा। क्योंकि लिखने का मतलब ये कि आपका जो गाने का वर्ड है जो आप लिख रहे हैं, दूसरे की समझ में आना चाहिए, और उसको फिर संगीत के साथ जब पिरोते हैं और जब पब्लिक के बीच में जाता है, तब पता चलता है कि आपने कुछ लिखा है। लिखेंगे, आदमी गुनगुनाएगा, एक शब्द है उसका अर्थ क्या निकलता है, क्योंकि लिखना कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। हर शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। लिखने के साथ साथ गाते भी हूँ, गुनगुनाता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है, अंदर से भावना भागती है लिखने की। अभी एक मैंने गीत लिखा है, मैं उसकी मुखला सुनाना चाहूँगा। तो चाहता हूँ मैं तुझको यादों के सहारे, चाहता हूँ मैं तुझको यादों के सहारे, आजा सनम अब दिल ये पुकारे, जिंदगी कटती नहीं बिना तेरे प्यारे, जिंदगी कटती नहीं बिना तेरे प्यारे, आजा सनम अब दिल ये पुकारे, आजा सनम अब दिल ये पुकारे। डॉन साहब, जैसा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं आपका, काफ़ी नाम है, आपने एक्टिंग में भी फिल्म भी की हैं आपने, तो कौन कौन सी फिल्म की हैं आपने, और अभी रिसेंटली आपका क्या आने वाला है, कमिंग सून क्या है? देखिए, जब से मेरे दिल में आर्टिस्ट भावना जागी है, मैंने कहा मैं एक्टिंग भी करूँगा, मैं सिंगिंग भी करूँगा, मैं राइटिंग भी करूँगा, मैं लोगों को मौका भी दूँगा। मेरा एक उद्देश्य ये रहा है कि मैं ज़्यादा जब तक मेरा जीवन रहे, अधिक से अधिक ऐसे काम करूँ, अच्छे काम करूँ, ताकि लोगों को मुझसे प्रेरणा मिले, मैं लोगों से प्रेरणा भी लूँ, और मैं सीखता भी हूँ और सीखता आ रहा हूँ। मुझे गाना गाने का शौक़ तो है ही रहा, डांस करने का, मैंने मॉडलिंग भी किया, मैंने अवार्ड भी जीता। 2000 के अंदर मैंने दिल्ली में फर्स्ट विनर रहा, 2000 के अंदर। मैं बाहर से आता था गाने के लिए, मैंने गाना गाया था वो मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, इस गाने पे मुझे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला, जहाँ मंदाकिनी जी आई हुई थी, शाह ऑडिटोरियम के अंदर। कितनी पुरानी बात है, 21 साल पुरानी बात है, मैं आपके शेयर कर रहा हूँ।
तो बस यही है। और आप कुछ पूछ रहे थे मेरे से? हाँ, फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? अच्छा अच्छा, हाँ प्लानिंग ये देखिए, मुझे एक मौका मिला कानंद भाई, मैंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया 3 महीने का बॉम्बे से, गौतम फिल्म प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से। बी ग्रेड का मैं आर्टिस्ट हूँ और बॉम्बे से भी मेरे पास कार्ड है सिंगर का, एसोसिएशन के से बना हुआ है। मुझे एक पिक्चर मिली, सबसे पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी दीवार, अमिताभ बच्चन की। मेरे दोस्त थे वो दिल्ली पुलिस में थे, हमने एक रोल किया उसमें, मुझे एज ए मजदूर का रोल मिला और मुझे सड़क पर लिटाया गया, मेरा कत्ल करा गया, जैसे गाड़ी आती है दीवार में, आपने देखा होगा। वो पिक्चर धीरे धीरे बनी नहीं, किस तरीके से वो बंद हो गई। उसके अलावा जब मैं दिल्ली में आया, मैंने एक्टिंग डिप्लोमा किया, तो मुझे मौका मिला फिल्म बंधन फिरों का। उन्होंने कहा आइए इंटरव्यू दीजिए, मैं जा नहीं पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मौके मुझे मिले मौके गवाए, लेकिन जो मौका मुझे मिला छोड़ा नहीं। अभी मुझे एक मौका मिला, आइए आपको लेकर चलते हैं, फिल्म थी बड़े पर्दे की 7 उचक्के, जिसमें कि हमारे विजय राज जी ने काम किया है, जिन्हें हम कौवा बिरयानी के नाम से जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, वो उसमें थे और मुझे एडवोकेट का रोल किया। मेरा कम से कम 5 मिनट का सीन था और वो सीन किसी कारण की वजह से वो मेरा सीन पिक्चर में डाला गया, लेकिन मुझे खुशी हुई कि मेरे बड़े पर्दे पर जो आई दिल्ली में उसको शूट हुआ था। उसके बाद बहुत सारी एल्बम मैंने गाई हैं, बनाई हैं, मैंने धार्मिक बहुत सारी एल्बम अपने आप के बनाई, जैसे लल्ला मुरली वाला, माँ के दीवाने, श्याम का आनंद, और आपका कहते हैं ऐसा हर बार क्यों होता है, बहुत सारी प्राइवेट भोजपुरी एल्बम, स्कर्ट वाली, मैंने इतने सारे मतलब बनाए, श्याम के दीवाने, लोगों को मौका भी दिया। तो मैं चाहता हूँ मैं कुछ अपना करूं, अपने मेहनत से करूं, अपना मैंने पैसा भी लगाया है, ऐसी बात नहीं है, लगा के कुछ मिलता है तो मैंने अपना स्थान पाया। और अभी जो पिक्चर आने वाली है, जल्दी तो नहीं लेकिन अभी बड़ी पर्दे की फिल्म मुझे मिली है, मैं अभी इसको अनाउंसमेंट नहीं करना चाहूँगा। और वो हमारे जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब हैं वो जम्मू कश्मीर से हैं, सैफी साहब, और उसमें मुझे एज ए इंस्पेक्टर यानी कि ACP का रोल उन्होंने मुझे अलॉट किया है, क्योंकि अभी मैं उसको ज़्यादा लीक आउट करना नहीं चाहता चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलते चलते डॉन साहब, आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से और क्या मैसेज और क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस मैं ये देना चाहूँगा कि भाई संगीत एक ऐसी चीज़ है, कला एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं लाइफ इज यानी आर्ट इज़ लाइफ, कला ही जीवन है। और इंसान जब से पैदा होता है और जब तक वो स्वर्गवास नहीं होता, वो जीवन में कुछ ना कुछ कलाकारी करता रहता है। हमने भी कलाकारी की, अब ये भी कला है, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मैं सभी दर्शकों को ये कहूँगा या सभी बच्चों को ये कहूँगा, जो एक कलाकार हैं, सच्चे कलाकार बनना चाहते हैं, हमेशा अपना बिहेव अच्छा रखें, चेहरे पर मुस्कान रहे, नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। हार के बाद ही जीत मिलती है, ये हकीकत बात है। अगर आपको पहले जीत मिल जाएगी तो आप ऊपर से एकदम नीचे आ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि नीचे से ऊपर आप चढ़ें, सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ें, क्योंकि मैंने भी नीचे से ऊपर गया हूँ, तो मुझे संघर्ष करने में बड़ा अच्छा लगता है। और संघर्ष करके जो चीज़ मिलती है जीवन में, वो वाकई में सुखदायक होती है, लाभदायक होती है। जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे पहचान मिली, मैं वो जरूर कहना चाहूँगा, जाते जाते बैठ कहना चाहूँगा, मुझे डॉन क्यों कहा गया, वो अक्सर गाना मैं गाता हूँ और वो इतनी फरमाइश है, आप उस गाने को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, उसको आप स्टार मेकर पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे। तो मैं चाहूँगा, क्या मैं सुनाना चाहूँ दर्शकों को? जी जी, सुना दीजिए। उसके ऊपर मैंने भजन भी बनाया हुआ है, भजन भी मैं सुना सकता हूँ अगर दर्शक सुनना चाहेंगे तो भजन, लेकिन जो आवाज़ से मुझे पहचान भी मैं चाहूँगा, सुनिएगा ज़रा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। ये सुना मैंने, बस ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, बाकी सुनना है तो इस चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं, आप इनसे परिचय में ले सकते हैं। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा दर्शकों, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, अक्सर इंटरव्यू आप देखेंगे, जो चैनल है नई सुबह, जब आप सोते हैं बिंदास होकर सोते हैं, जब आप उठें तो आपके सामने, जब आप कैमरा खोलें या टीवी खोलें तो आपके सामने नई सुबह आना चाहिए। नई सुबह एक ताजगी चाय के साथ होता है, वो चाय आप जब पीते हैं तो आपके सामने नई सुबह मीडिया चैनल आता है। चैनल के माध्यम से दर्शकों को इतना कहना चाहूँगा कि हम फूल हैं तरह तरह के, हम फूल हैं तरह तरह के, मगर गुलिस्तान तो एक है, मजहब जुदा जुदा सही, मगर हिंदुस्तान तो एक है। इन्हीं शब्दों के साथ दर्शकों को आनंद प्रकाश डॉन का प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जी, ये था आज के हमारे खास कलाकार आनंद कुमार डॉन जी, फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ, देखना भूलें फेस टू फेस।